अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। आम का मौसम हो और आम की चीज़ ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो बहुत ही लाजवाब सी सबकी फेवरेट रेसिपी, जो कि है मैंगो मिल्क शेक और मैंगो मस्तानी। बनाएंगे टेस्टी और डिलीशियस मैंगो मिल्क शेक, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने एक आम, इसको वॉश कर लिया है, इसको छील लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे लिया हमने एक मिक्सर जार, इसमें शामिल करेंगे एक बाउल कटे हुए आम, ठंडा ठंडा मिल्क शामिल करेंगे एक कप, दो टेबल स्पून शुगर डालेंगे, शामिल करेंगे दो स्कूप वेनिला आइसक्रीम, इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। मैंगो मिल्क शेक हमारा तैयार हो गया है, गिलास में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। शामिल करेंगे ऊपर से कुछ काटे हुए काजू बादाम, थोड़े से केसर ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए हमारा मैंगो मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। मैंगो मिल्क शेक गर्मी में अपने दिल को तरोताज़ा करने के लिए ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक बनाएं और पिएं और अपने फैमिली को भी पिलाएं। चलिए अब बनाते हैं मैंगो मस्तानी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो मस्तानी बनाने की रेसिपी। मैंगो मस्तानी है तो पुणे की फेमस ड्रिंक, लेकिन ये इतनी टेस्टी है कि पूरे इंडिया में फेमस है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने एक आम, इसको वॉश कर लिया है, अब इसको हम छील लेंगे। आम को छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे लिया हमने एक मिक्सी जार, इसमें शामिल करेंगे एक बाउल कटे हुए आम, शामिल करेंगे एक कप मिल्क, शामिल करेंगे तीन स्कूप वेनिला आइसक्रीम, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिया हमने एक गिलास, इसमें शामिल करेंगे थोड़े से कटे हुए आम, शामिल करेंगे दो स्कूप वेनिला आइसक्रीम, यहाँ पर थोड़े से आम को ग्राइंड कर लिया था, गिलास के चारों तरफ इसको लगा देंगे। थोड़े से कटे हुए काजू बादाम डाल देंगे, थोड़ी सी टूटी फूटी भी शामिल कर देंगे।
अब गिलास में शामिल करेंगे मैंगो शेक। ऊपर से डाल देंगे एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे ऊपर से। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये देखिए मैंगो मस्तानी बनकर तैयार हो गई है। देखने में इतनी अच्छी लग रही है, पीने में या खाने में बहुत ही जायकेदार है। इस सीज़न इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी क्रीमी और टेस्टी लग रही है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।